Hello children, welcome to us education. Aaj hum kar rahe hain chapter Motions of the Earth, Geography Book, Grade 6 se. Hamari jo Earth hai, iske do tarah ke motions hai. Yani jo movement hai. Ek kehte hain rotation, ek kehte hain revolution. Rotation jo hai Earth ka wo movement hai jo wo apni axis pe karti hai. Aur jab Earth sun ke चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे अपने ऑर्बिट में, उसको जो है हम रेवोल्यूशन कहते हैं. जो हमारी अर्थ है उसकी जो हम एक्सिस कहते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का अपने ऑर्बिटल प्लेन पे. तो ये जो प्लेन ऑर्बिट बनाता है इस या ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है, इसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. अर्थ को लाइट कहां से मिलती है? सन से. अब क्योंकि इसकी स्फेरिकल शेप है इसलिए आधे ही हिस्से को लाइट मिलती है एक समय पे. जिस पोर्शन पे सन दिखाई दे रहा होता है वो दिन का समय होता है, और जिस जगह पोर्शन पे सन नहीं दिख रहा होता है वो रात का समय होता है. सर्किल जो डे को नाइट से अलग करता है ग्लोब पे, उसको हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये सर्किल जो है कभी भी एक्सिस से टकराता नहीं है. अर्थ को लगभग 24 आवर्स लगते हैं अपनी एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए. तो ये जो पीरियड होता है रोटेशन को, या इसका जो पीरियड होता है रोटेशन का, इसको हम अर्थ डे कहते हैं. ये यानी हमारी अर्थ का रोज का चक्कर है. अगर हमारी अर्थ ना घूमती तो क्या होता? तो जिस पोर्शन पे सन दिखाई दे रहा है वो हमेशा दिन ही दिन देखते, और इस वजह से वो एरिया जो है बहुत ज्यादा गर्म होता, और जो दूसरा हाफ होता उसमें हमेशा रात ही रहती और वो जो है एरिया बहुत ज्यादा ठंडा होता. तो ऐसे में लाइफ जो है दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पॉसिबल नहीं हो पाती. ये तो थी बात रोटेशन की. अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की. जो अर्थ का सेकेंड मोशन होता है सन के अराउंड अपने ही ऑर्बिट में, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. इसको लगभग 365 1/4 डेज लगते हैं, यानी लगभग एक साल हो गया पूरे सन का चक्कर लगाने में. इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि 365 डेज होते हैं और ये जो 6 घंटे हैं इसको हम इग्नोर कर देते हैं. 6 आवर्स जो हैं हर साल बचाए जाते हैं ताकि वो एक दिन बन पाए, यानी 24 आवर्स, और ये होता है 4 साल के अंदर. ये जो दिन हुए ये एड हो जाता है फरवरी के महीने में, इसलिए हर चौथे साल में फरवरी 29 डेज की होती है बजाय 28 डेज होने के. तो ये जो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं इसे हम लीप ईयर कहते हैं. अगर आपको ये पता करना हो कि लीप ईयर कब आएगा तो वो जिस भी साल के 4 साल के बाद जो है लीप ईयर होगा. अब हमें ये बात पता है कि अर्थ जो है वो सर्किल के चक्कर लगाती है अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में. पूरे ऑर्बिट में अर्थ जो है वो एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है. एक जो साल होता है वो मौसम में डिवाइडेड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स. ये जो मौसम है इनमें जो बदलाव आता है वो अर्थ की जो पोजीशन है उसके चेंज होने की वजह से आता है, जो वो सन के चारों तरफ लगाती है. अगर हम 21 जून को देखें तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून की साइन वो सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है. तो जो रेज होती है सन की वो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. इसी वजह से इस एरिया को बहुत ज्यादा हीट मिलती है. जो एरियाज पोल के आसपास होते हैं उनको कम हीट मिलती है क्योंकि जो सन की रेज होती है वो थोड़ी स्लैंट होती है. जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, और जो प्लेसेस आर्कटिक सर्कल के पीछे हैं वो या उनके बियॉन्ड हैं, मतलब कि जो आर्कटिक सर्कल से बाहर हैं, वो जो हैं उनके पास कंटिन्यूअसली डे लाइट रहती है लगभग 6 महीने तक. तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है उसे सन से रोशनी मिल रही है. इसीलिए ज्यादातर जो रीजन होते हैं नॉर्थ में इक्वेटर के, वहां पर गर्मी होती है, समर का मौसम होता है. जो लॉन्गेस्ट डे है और जो सबसे छोटी रात है वो इन प्लेसेस पे होती है 21 जून को. इसी तरीके से
इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशंस उल्टी होती हैं। यहाँ विंटर सीजन होता है, रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। इस पोजीशन को अर्थ की हम कहते हैं समर सॉलिटस। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है कैप्रिकॉन, उसको सबसे ज्यादा सीनी रेज मिलती है सन की, क्योंकि साउथ पोल जो है अब वो थोड़ा सा सन की तरफ झुका हुआ होता है। जैसे सनरेज पूरी तरह से वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सदर्न हेमिस्फीयर का है उसे रोशनी मिल जाती है। तो अब क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर हो जाता है, दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, और यही बिल्कुल उल्टा किधर हो रहा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो पोजीशन है अर्थ की, इसको हम कहते हैं विंटर सॉलिटिस। इसीलिए क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर डायरेक्ट सनरेज जो है वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। इस पोजीशन में ना तो पोल्स की तरफ, दोनों जो पोल्स हैं वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होते हैं, तो पूरी की पूरी धरती जो है उसको बिल्कुल इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स मिलती हैं। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को ऑटम का सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग का सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और 21 मार्च को इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। इसी तरीके से 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। तो इस तरह से आपको यह पता चला कि जो दिन और रात होते हैं या जो मौसम में बदलाव होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये था हमारा चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।